प्रयोग करेगा। वहाँ से डेटा कलेक्ट कर इसरो को भेजेगा। धरती के वायुमंडल की स्पेक्ट्रोस्कोपिक जांच करेगा, लेकिन चंद्रयान 3 के सामने अब भी कई चुनौतियाँ हैं। मसलन जब लैंडर और चांद के बीच की न्यूनतम दूरी 30 किलोमीटर रह जाएगी तब लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा और उस दौरान लैंडर की रफ्तार को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाना होगा। फिलहाल ऑर्बिट में बदलाव के बाद लैंडर अगले 5 दिन तक इसी कक्षा में रहेगा। 23 अगस्त को चांद पर लैंड होगा और 14 दिन तक वहां की सतह पर काम करेगा। मून मिशन की शुरुआत की थी तब से अब तक कई अहम पड़ावों को पार करते हुए वो चांद के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इसरो के मून मिशन की शुरुआत 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर हुई जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के साथ ही चंद्रयान 3 पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा और चक्कर काटने शुरू कर दिए। 15 जुलाई को चंद्रयान का पहला ऑर्बिट मैनूवर हुआ और उसकी ऑर्बिट बढ़ गई। 25 जुलाई को चंद्रयान का अंतिम ऑर्बिट मैनूवर हुआ और हर ऑर्बिट मैनूवर के साथ चंद्रयान 3 पृथ्वी से दूर होता गया। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 में लगे थ्रस्टर को फायर किया गया जिसकी मदद से ये पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल गया और चांद की ओर बढ़ने लगा। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा और उसके चक्कर लगाने शुरू कर दिए। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 ने 5वां लूनर ऑर्बिट मैनूवर सफलतापूर्वक पूरा किया और 153 x 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचा। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो गया और इसके बाद विक्रम लैंडर ही चंद्रयान 3 बन गया। आज यानी 18 अगस्त विक्रम लैंडर की पहली सफल डी बूस्टिंग हुई जिसके बाद 113 x 157 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच गया। 20 अगस्त को विक्रम लैंडर की दूसरी डी बूस्टिंग होगी और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर